अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जनाब? अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला खैर और फिर रखे, मुस्कुराता रखे। तो आज की वीडियो क्यूट से ड्रेसेस पे बेबीज़ के जब आते हैं ना, तो क्यूट्स खुद ही निकलता है। इतने प्यारे और गोटी वर्क के काम के हैं ना कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आप बनाएं फंक्शन पे, शादी के लिए बनाना चाह रहे हैं, माइयों के लिए बनाना चाह रहे हैं, मेहंदी के लिए बनाना चाह रहे हैं, या फिर आम पार्टी वेयर पर भी पहनेंगे ना, तो ये बेबीज़ बहुत खूबसूरत लगती हैं। इस तरीके से आप घर में कर सकते हैं काम, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसमें आप इजीली कर सकते हैं। बहुत क्यूट सी, बहुत प्यारी लग रही हैं। सिल्क फैब्रिक ले लें, या फिर आजकल तो कतान सिल्क का पता है, बहुत ही फैशन और प्यारी भी लगती है। वो थोड़ी अकड़ी सी रहती है ना, तो उससे बच्चा बहुत ज़्यादा खुश भी रहता है, फुली फुली सी। और बच्चों को वैसे ही बारबी वाली ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लगती हैं। और आप ये देखें, इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, ये गोटी वर्क का काम कर सकते हैं, फूल लगा सकते हैं, मिरर का काम कर सकते हैं, हल्का फुल्का। ये देखें, पेटी पे ऐसे काम कर सकते हैं, सितारे लगा सकते हैं। गोटी आजकल इतनी स्टाइल में, इतने डिज़ाइन में, इतने कलरों में मिलती है कि इंसान हर तरह का ड्रेसेस पे वो कलर कम्बिनेशन से मैच करके लगा सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, सिल्क फैब्रिक, कतान सिल्क से काम किया गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। और छोटी बच्चियों को ना ज़्यादातर गोटियों की इस तरह की शर्ट या गरारा शरारा ऐसा बनाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर इसमें से आपको अच्छी लगती है। मिरर का देखें काम, हल्का फुल्का, लेकिन मेरे ख्याल में छोटी बच्चियों को बहुत हल्का फुल्का मिरर का काम करना चाहिए, क्योंकि मिरर में ज़रा ज़्यादा होता है कि लग ना जाए। तो गोटी का कर लें, उसका कोई ऐसा अंदेशा नहीं होता कि लगने का। तो आपको ज़रूर यकीनन अच्छी लगेगी, क्योंकि वीडियो ही बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए कितना खूबसूरत काम है, कलर कम्बिनेशन देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो बेबीज़ खिल उठते हैं इसमें, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। दिलों दुआ में याद रखना, न्यू है मेरे चैनल को, फर्स्ट बार वीडियो वॉच करें, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि दूसरे भी देख सकें जिनके छोटे छोटे बेबीज़ हैं ना, और ज़्यादातर गर्ल्स बेबी हैं। तो आप उनको ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें हर टाइम खोज में रहते हैं कि हम नए से नए डिज़ाइन अपनी बेबीज़ के लिए बनाएं, नई सी नई चीज़ बनाएं। और ज़रूर ट्राई करिएगा। दिलों दो में याद रखना, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।